जो लोग दिल्ली को बनाते हैं, तो जो लोग दिल्ली को चलाते हैं, ये उनकी जीत है। उनको एक करप्शन फ्री गवर्नेंस मिली, उनको एक हेल्पफुल गवर्नेंस मिली, उनको एक सपोर्टिव गवर्नेंस मिली दिल्ली के चलाने वालों को। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि कल जब शपथ ग्रहण होगा तो उस वक्त उनके जो मेहमान होंगे वो भी वही लोग होंगे जिन्होंने दिल्ली को बनाया है, दिल्ली को चलाया है, जिन्होंने पिछले जिनके जिनके साथ मिलके पिछले 5 साल मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली को चलाया है, दिल्ली को बनाया है, और अगले 5 साल भी जिनके साथ मिलके दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को चलाना है। इसमें दिल्ली के उद्योगपति हैं, दिल्ली के व्यापारी हैं, दिल्ली के दुकानदार हैं, दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, टीचर्स हैं, मजदूर हैं, पुलिस के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, छात्र हैं, इसमें जिनके साथ मिलकर आगे दिल्ली को चलाया है। बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, या यहाँ तक कि मेट्रो ड्राइवर भी हैं, किसान हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी हैं जिनके साथ दिल्ली आगे बढ़ रही है, जिनको आगे बढ़ाया है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो तरह तरह के लोग जो दिन रात काम करते हैं, सपने देखते हैं, उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं, उन सबको लेके दिल्ली को आगे बढ़ाया गया पिछले 5 साल में, और अगले 5 साल भी इन्हीं सबको साथ लेके केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ेगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ओपन इनविटेशन पूरी दिल्ली को दिया है कि आपका बेटा शपथ ले रहा है और सब लोग आए। हर सेक्टर से लोग आ रहे हैं, लोग हमें भी बता रहे हैं कि हम ज़रूर आएंगे, कौन से गेट से आएँ, कैसे आएँ, ये सब पे बात हो रही है। लेकिन कल के शपथ ग्रहण समारोह के विशेष मेहमान भी इन्हीं सब सेक्टर्स से करीब करीब 50 लोग रहेंगे। इन सेक्टर्स में, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा था चुनाव का, तो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग रहेंगे, टीचर्स रहेंगे। टीचर्स खुद इतनी बड़ी संख्या में मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं लगातार कि हम शिक्षा के नाम पे 5 साल मेहनत की है और अगले 5 साल मेहनत करना चाहते हैं, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होना चाहते हैं। तो टीचर्स रहेंगे, हेड ऑफ स्कूल्स भी रहेंगे बहुत सारे, लेकिन विशेष मेहमान जो 50 मैंने बताया, एक अलग से स्टेज पर मुख्यमंत्री जी के साथ स्टेज पर जो लोग रहेंगे, दिल्ली के निर्माता, तो दिल्ली के निर्माता पे विशेष रूप से अध्यापक बैठेंगे, हेड ऑफ द स्कूल्स बैठेंगे, स्कूल के पियोन को बिठाया जाएगा, स्कूल के जो पियोन हैं, जो स्कूल की साफ सफाई से लेके स्कूल की व्यवस्था देखते हैं, छात्र जिनको जय भीम योजना का फ़ायदा मिला और जो आगे जाके दिल्ली में बड़ा योगदान करेंगे अपनी पढ़ाई पूरी करके, वो भी उनको रिप्रेजेंट करेंगे। उन छात्रों का रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ होगा, विशेष 50 मेहमानों में, करीब 50 मेहमानों में। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पहले कोई ओलंपियाड का नाम नहीं जानता था कि ओलंपियाड क्या होता है, लेकिन पिछले 5 साल में टीचर्स की मेहनत से, बच्चों की मेहनत से स्थितियाँ यहाँ तक पहुँची कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे ना सिर्फ ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने गए, बल्कि मॉस्को में केमिस्ट्री और मैथ्स के ओलंपियाड में मेडल जीत के लाए और वहाँ तिरंगा फहरा के आए। तो सरकारी स्कूलों के बच्चे जो मॉस्को में ओलंपियाड जीत के आए, तिरंगा फहरा के आए, वो दिल्ली के बच्चों को, वहाँ दिल्ली के बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ विशेष मेहमानों में। डॉक्टर्स होंगे मोहल्ला क्लिनिक के, जो वहाँ पूरे डॉक्टर्स को, मेडिकल फैटर्निटी को रिप्रेजेंट करेंगे। बाइक एम्बुलेंस जो चलाते हैं और बहुत लोगों की सेवा की है पिछले कुछ सालों में, जिन्होंने गली गलियों में जाके बाइक एम्बुलेंस का, जो बाइक राइडर है वो भी वहाँ पूरे एक सेगमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होगा। दिल्ली का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी की मदद करना चाहता है। कहीं मैंने देखा है, मैं आप सब भी देखते होंगे कि हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अपनी बाइक से जाते हुए उसका स्टैंड भी खुला रहे बाइक का, तो रास्ते चलता आदमी उसको कह के जाता है अपना स्टैंड ठीक कर लो। ये कौन है? ये हर दिल्ली के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के अंदर एक फरिश्ता है। उस फरिश्ते को और मजबूत करने के लिए पिछले साल, पिछले टेन्योर में मुख्यमंत्री जी ने स्कीम लाई, फरिश्ते योजना। उस योजना के तहत दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने समय रहते हुए हिम्मत करके मदद की और दिल्ली के कितने ही लोगों की जान बचाई। तो उस
फीलिंग का, जो दिल्ली के हर व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग है फरिश्ते की, उस फीलिंग का रिप्रेजेंटेटिव करते हुए एक व्यक्ति जिन्होंने मदद की फरिश्ते के रूप में, वो भी वहाँ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फायर फाइटर्स फैमिली, सिपाहियों की फैमिली, पुलिस वालों की जिन्होंने बहादुरी करते हुए जान गंवाई, जिनको मुख्यमंत्री जी के योजना के तहत 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी उस दौरान दी गई, उनका रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ रहेगा। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ रहेगा, सफाई कर्मचारी भी स्टेज पर होंगे मुख्यमंत्री जी के साथ में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से देखें तो बस मार्शल, जो सरकारी बसों में पहला प्रयोग किया गया इस तरह का कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए जाएं, और उसके पॉजिटिव नतीजे भी निकले। कई बस मार्शल्स ने बहुत बहादुरी के साथ में इस तरह की वारदातों को होने से पहले ही रोक लिया। तो बस मार्शल्स का, उस युवा का जो महिलाओं की सुरक्षा रखना चाहता है और बस मार्शल के रूप में काम कर रहा है, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा जिन्होंने बहादुरी दिखाई। बस ड्राइवर, मेट्रो ड्राइवर, मेट्रो बस के कंडक्टर, ऑटो के ड्राइवर, ये भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, अपने डिफरेंट सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुख्यमंत्री जी के साथ करीब पचास लोगों के मेहमान की सूची में होंगे। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर से देखें तो सिग्नेचर ब्रिज बनाने वाले आर्किटेक्ट वहाँ पर एक मेहमान के रूप में होंगे। इंजीनियर्स जो पूरी दिल्ली में इतना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में इतनी मेहनत कर करके आज केवल 5 साल के अंदर दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज की तस्वीर बदलने वाले इंजीनियर्स, वहाँ काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनको भी न्योता दिया गया है विशेष मेहमान के रूप में आने का। इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो डोर टू डोर डोर स्टेप डिलीवरी की सर्विस शुरू की गई और हजारों लाखों लोगों के घरों पर सरकार की सेवाएं पहुंचाई जिन लोगों ने, उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनके एग्जीक्यूटिव भी मेहमान के रूप में होंगे, दिल्ली के किसान भी वहां पर होंगे। तो इस तरह से ये सपना है एक सरकार का बनना, और इस सपने का, ये सपना केजरीवाल जी का या मंत्रियों का नहीं है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है, बल्कि दिल्ली के हर आदमी का सपना है कि हमारी दिल्ली इस तरह की होनी चाहिए। उस दिल्ली के निर्माता, उन सपनों की दिल्ली के निर्माता अपने अपने क्षेत्र को, कार्य को रिप्रेजेंट करते हुए मेहमान के रूप में कल मुख्यमंत्री जी के साथ में रहेंगे, और इन्हीं के साथ मिलके 5 साल दिल्ली को आगे बढ़ाया है, इन्हीं के साथ मिलके दिल्ली को अगले 5 साल भी आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल भी उसी तरह से बहुत सक्सेसफुल होंगे जैसे पिछले 5 साल रहे हैं। थैंक यू। कांग्रेस बीजेपी ने जाम लगाया है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, शिक्षकों को आदेश दे दिया। कौन कह रहा है ये, कौन कह रहा है? ये ट्वीट किया है मुकेश शर्मा ने, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है। देखिए क्या है, ये लोग शिक्षकों की इज्जत करना नहीं जानते। आज देश का पहला ऐसा चुनाव हुआ है जहां शिक्षकों का काम पूरी जनता में तारीफ बन के उभरा है। आज अगर मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे हैं तो बहुत सारे शिक्षक, खुद मेरे पास इतने SMS हैं, WhatsApp हैं, बहुत सारे शिक्षक बहुत उत्साह के साथ आना चाहते हैं। उनको सुविधाएं देकर लेकर आना, मुझे लगता है शिक्षक, आम आदमी पार्टी शिक्षक का सम्मान करती है और जानती है, इसीलिए सम्मान इतने बड़े समारोह में उनको निमंत्रित किया गया है। लेकिन जिनको शिक्षक का सम्मान करना नहीं आता, अब आप लोग भी इतने बड़े टीवी चैनल, अखबार, पत्रकार हैं, क्यों ऐसी चीज़ों पे, ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान देते हैं? वो वहाँ पे स्टेज बन रहा है दिल्ली के निर्माता, कन्फर्मेशन होगी तो बताएंगे। थैंक यू। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, विजेंद्र गुप्ता जी की बात पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इतने सारे शिक्षकों ने इतना अच्छा काम किया, शिक्षक आना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में। मान लीजिए किसी शिक्षक को कोई परेशानी नहीं आएंगे, कोई नहीं आना। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।